अखिलेश यादव है वो ठीक आदमी नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं, लोचा आदमी कतई गंदा कतई, जैसा जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए फिर भाई गलत है, कतई कतई भी नहीं बनना चाह राहुल गांधी भी ना, वो तो ठीक है भाई, मोदी बनेगा एक डब्बा ही। हां क्या कुछ खासियत है गाड़ी बात काम, तो बस खास बात है भाई काम देख ले, रोड राड बना रखे भाई, रोड पे टैक्स तो बहुत लग रहा मेरा भाई, नहीं वो तो बात सही है, काम दिख रहा भाई, तो काम दिख रहा जो भी कुछ काम है। अभी हम ये गंगा का घाट है, वैसे तो हम अभी हम जलालाबाद में हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो श्रद्धालु है वो स्नान कर रहे हैं, और हमारे सामने देवों का देव महादेव भगवान शिव की एक नहीं एक दो तीन तीन मूर्तियां रखी हुई हैं, और साथ में माँ राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है, नंदी की मूर्ति रखी हुई है इधर, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कौन है भाई, तो हमारे यहाँ भगवान शिव का जो महत्व है हिंदू धर्म में वो सबसे अलग है, सबसे उत्तम है, और भगवान शिव अगर इनको पूरा समझा जाए तो एक पूरा चैप्टर इनके लिए बनता है, और पूरे चैप्टर में एक चीज़ को नहीं समझा जा सकता, इसके लिए बिल्कुल अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। देख सकते हैं आप तस्वीरों में श्रद्धालु सब स्नान कर रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है कुछ, ये भाई साहब देखिए कि पूरे मस्ती में हैं फिलहाल, और गर्मी जो है चिलचिलाती हुई धूप आप देख सकते हैं पड़ी हुई है, और अब यहाँ पे पहले ये जो कार्य था केवल हरिद्वार में हुआ करता था, और अब यहाँ भी जलालाबाद में भी इसकी तैयारी कर दी गई है, घाट पर पूरी तैयारियाँ की गई हैं, वहाँ पे गंगा के नहाने का एक ही कारण है कि वहाँ पानी जो है बड़ा शुद्ध आता है, और आपके शारीरिक जो समस्याएं होती हैं चर्म रोग जिसको बोलते हैं उसको नहाने से, उसमें नहाने से वो चर्म रोग बहुत हद तक दूर हो जाते हैं, और यही हाल यमुना का भी है, इसीलिए उसको माँ बोला जाता है, जो दुखों को हर लेती है उसको माँ बोला जाता है। हमारे यहाँ पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया गया भाई, गंगा में नहाया वो पाप खत्म हो जाएंगे, पाप मतलब जो शरीर पे जो फोड़े फुंसी चर्म रोग जो हमें हो गए हैं वो ठीक हो जाया करते हैं, और जब हम धर्म की बात करते हैं तो पूरा का पूरा डिफरेंट हो जाता है एक एक चीज़। यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, भाई क्या नाम है? अंकुश। तो नहाने रहे आज हैं? हाँ। मजा रहा? मजा फुल, 9 बजे का पड़े हो रही, जाने को जी भी नहीं कर रहा, तो बिल्कुल ठल्ली हो गई आएगा तेई, फिर ही एतवार का बाढ़ देख देखा दुआ होगा। एतवार पानी ठीक ठाक रहा, ठंडा रहा, बढ़िया रहा, बढ़िया मौज में आंदी। तो कहाँ तैर रहे आप? खेड़ी कुछ नाम थे यकीन है पड़ा भाई, ये पड़ा करी दाग का 7 किलोमीटर। चलो एक तो हमने पूछा ना है भाई कैसा लग रहा, बाकी 2024 का चुनाव भी नजदीक है, कौन बनना चाहोगे प्रधानमंत्री? मोदी जी होगी, आना चाहोगी? नहीं प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, तो बढ़िया रहा प्रधानमंत्री का, बढ़िया बढ़िया मौज बहन दी, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, 2024 में अपने जन्नत है। क्या चाह, क्या नाम है भाई? सोहित भाई। सोहित, सोहित भाई जी, तो सब नहीं क्या सोहित भाई? हाँ जी। मजा रहा? मजा पूरा आ रहा। पानी कैसा है, ठंडा है गरम? बढ़िया ठंडा का, बिल्कुल। किस टाइम क्या रहे भाई? ये भी आए थे आधे घंटा हो गया, और कहीं है कहीं पर पहले? नहीं कहीं पर आ रहे पहले भी। तो काम को निमटा गया, दार रोकी करके तो काम कोम सब निमटा गया पूरा, कते फिट करके सन्नी कर गए, हैं सन्नी कर गए डांगरों की। हां ठीक है अपना वर्क है। तो 2024 का चुनाव नजदीक है, किसका प्रधानमंत्री कौन बनना चाह? योगी बनना चाह। अरे प्रधानमंत्री भाई? हां प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री योगी जी। अरे है तो पर बनना चाहिए प्रधानमंत्री, बनना चाहिए योगी जी। योगी जी मजा आ रहा, योगी सरकार, योगी सरकार में मजा आ रहा पूरा। तो जैसे जो अखिलेश यादव है वो ठीक आदमी नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं, लोचा आदमी कतई गंदा कतई, जैसा जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए फिर भाई गलत है, कतई कतई भी नहीं बनना चाह राहुल गांधी भी ना, वो तो ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी है बहुत, पढ़ा लिखा है पर काम बढ़िया नहीं करता, पढ़े लिखे तो बहुत हैं, फिर बनना तो वही चाहिए जो जो कुछ करे योगी ने, तो बहुत कुछ करा यार, पता कहीं टेम कहीं चला जा, ये अपना कहीं टेम कहीं भी जा, खेत में अपने घर कहीं भी घेर में आए, मतलब कहीं भी अपने घर भी डर लगा है। तो पहले क्या दिक्कत थी जैसे योगी जी ने थे जी जा? पहले दिक्कत थी अपने घर भी सत्तो डर लगा था, तो जरा इतनी नींद में आती होगी यार? नहीं कहते भी नहीं, किसी को भी नहीं होती, मुझे क्या, तो सब जो जैके काट रहे थे, हाँ जैके काटे थे हमने, काटे जी सबने काटे जैके,
और भी भाई है यहाँ, अंदर बात करेंगे। दो भाई वहाँ भी पैनी का चला रहे हैं ना लगा, तो आज जो पर भाई वहाँ चलो भाई, पर इन भाइयों तो और पूछ लें भाई पैनी देखे पहले उसका कैसा है। पैनी ठंडा है, गर्म है, मैर दी भाई दो अड्डे है। पैनी जो है वो बिल्कुल शीतल है। कहाँ था भाई? सोनी दे भाई। क्या नाम है? संतू। संतू भाई कैसा लग रहा है ना के? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा बहुत ज्यादा भाई। अच्छा 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहोगे भाई? मोदी बनेगा एक डब्बा ही। हाँ। क्या कुछ खासियत है बात, काम तो बस खास बात है भाई, काम देख ला, रोड राड बना रखे भाई, तो रोड पे टैक्स तो बहुत लग रहा मेरा भाई। नहीं वो तो बात सही है, काम दिख रहा भाई, तो काम दिख रहा जो भी कुछ काम है। तो मतलब कुल मिलाकर प्रधानमंत्री योगी जी मोदी जी बनने चाहिए? हाँ भाई, हम तो वोट भाई बीजेपी को ही, हम बीजेपी को जा भाई। चलो और भी भाई हैं यहाँ, उनसे बात कर लेंगे भाई। और बाकी भीतर बढ़ना पड़ता मुझे, बात तो बहुत तक करनी चाह रहे थे। और यहाँ भी यहाँ बिल्कुल स्विमिंग पूल की तरह जो है, पर्यटक जो है, जो श्रद्धालु है, बिल्कुल उसी तरीके से मजा ले रहे हैं जिस तरीके से स्विमिंग पूल में मजा लिया जाए। स्विमिंग पूल में 50-100 रुपये खर्च करने पड़े हैं, यहाँ फ्री में नहाओ, प्राकृतिक पानी है। और बुड्ढे भी सब जो है पहले नहरों में अरब जाऊँ नहर रहे थे। ये दो भाई हो रहे हैं तो और बात कर लेंगे भाई, रुक जा। क्या नाम है? हर्ष है जी। कहाँ था भाई? जाफरपुर। तो नानी आ रहे थे? नई दुकान लगा रखी है अभी, तो ऐसे रोज आते हैं नहाने के लिए। अच्छा, तो नहाने में तो पूरा मजा आता होगा? फुल मजा है जी पहले से बहुत। तो ठंडा है पानी या ठीक ठाक सा है? हाँ, इधरली साइड ठंडा है, उधरली साइड गर्म है, मतलब उधर जमुना का पानी आता है। अच्छा, दोनों मजे ले रहे हैं मतलब? दोनों मजे है यही। देखो यू भी मतलब सौभाग्य ही है भारत वालों का, यहाँ मतलब हमारी जो माँ गंगा है और जमुना इकट्ठी चल रही है। तो क्या लगा है अब जब 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे, क्या लगा है प्रधानमंत्री कौन बनना चाह? बस जी यहाँ तो योगी चाहिए हमें तो। कोई आधा काम तो बताओ जैसे जो योगी जी क्यों चाहिए काम? एक तो सब आजकल मतलब हिसाब सही है, रात के टाइम बाहर निकल जा पहले से बहुत, मतलब 1-1 बजे लो हम घर आए, बजे पर तो देर हो जा, अब ठीक है पहले से हिसाब। लूट पाट तो 9 बजे नहीं बट लेती वैसे तो, चलो 1 बजे वाला तो मामला। मतलब लूट तो पहले बहुत थी, अब तो वैसे भी बहुत कम है पहले से, अब मजे भी आ रहे हैं वैसे। पहले मतलब तो पेट्रोल भी तो डीजल पे भी तो भाव पड़ रहे। हाँ जी वो तो बात है, डीजल के भाव, अब सुरक्षा भी तो लेडीज की सबसे बढ़िया है, और पेट्रोल के दाम तो चलो वो तो है ही, अब तो दिक्कत नहीं है। पेट्रोल भी तो चल गई, बैटरी वाली भी तो चल गई, अब पेट्रोल भी मतलब कम सा हो गया। चलो भाई देखो अभी आँख ही दिखाने की कोशिश करेंगे, 2024 के जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं उसके बारे में दिखाने की भी कोशिश करेंगे, और यहाँ अगले टर्न पर हम भी नहीं आगे जाएंगे, देखेंगे कितना मजा आया।